हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बनने वाली और बहुत टेस्टी और बेसिकली सभी को पसंद आने वाली भिंडी फ्राई मसाला की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बेसिकली सभी भिंडी बनाते हैं, लेकिन या तो भिंडी टूटने लगती है या फिर चिपकने लगती है, लिसलिसी हो जाती है। आज मैं आपसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी, जिससे आपकी भिंडी ना ही चिपकेगी और ना ही टूटेगी। तो चलिए इस डिलीशियस सी भिंडी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर। फ्राई बनाने के लिए यहाँ हमने 500 ग्राम भिंडी ले ली है। भिंडी को हमने अच्छे से वॉश करके भिंडी का पानी बिल्कुल सुखा लिया है। तो ये देखिए, हम आपको बता देते हैं हमने किस तरीके से भिंडी को कट करा है। हम आगे के और पीछे के पार्ट को इसके कट कर देंगे, ये देखिए, और फिर हम इस साइज में भिंडी को काट लेंगे। ज़्यादा पतली भिंडी नहीं काटनी है, वरना जब हम फ्राई करेंगे तो भिंडी टूट जाएगी। इसी तरीके से हमने सारी भिंडी काट के रेडी कर ली है। यहाँ पैन में हम 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। अब यहाँ ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें ऐड कर देंगे हम 5 से 6 लहसुन की कलियों को हमने बारीक चॉप कर लिया है। लहसुन का हल्का सा कलर चेंज हो जाए जब तक हम लहसुन को फ्राई कर लेंगे। यहाँ लहसुन का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, लहसुन का फ्लेवर भिंडी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हमें लाइट पिंक कलर आने तक फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क कलर प्याज का फ्राई नहीं करेंगे हम, हल्का लाइट कलर आने तक ही प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। और इसी पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे 3 सूखी खड़ी लाल मिर्च। तो देखें, यहाँ प्याज का कलर चेंज हो गया है, लाइट पिंक कलर की हो गई है प्याज। बस इतना ही हमें प्याज को फ्राई करना है। अब इसमें डाल देंगे हम कटी हुई भिंडी और इसको हम मिक्स कर देंगे। पहला टिप्स ये है कि भिंडी हमें बिल्कुल सूखी लेनी है, गीली भिंडी नहीं लेनी है। और दूसरा टिप्स ये है कि हमें भिंडी को खोल के पकाना है, कवर नहीं करेंगे। कवर करने से भिंडी मॉइस्चर छोड़ देगी और भिंडी लिसलिसी हो जाएगी। और तीसरा टिप्स ये है कि हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे भिंडी को पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम नहीं करना है गैस की, वरना भिंडी गीली गीली हो जाएगी। ये कुछ टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी भिंडी बिल्कुल खिली खिली और बिल्कुल टूटेगी भी नहीं और बिल्कुल खिली खिली बनेगी। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो कर देना है। तो देखिए, 4-5 मिनट हो गए हैं भिंडी को पकते हुए, गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई है। हम इसको चलाते हुए भिंडी को पकाएंगे और अभी हम इसमें मसाले नहीं ऐड करेंगे। जब तक भिंडी 40 से 50% तक नहीं पक जाती और हल्की क्रंची नहीं हो जाती, जब तक हम मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे। अभी हल्के हल्के हाथों से हमें भिंडी को चलाना है, जिससे भिंडी टूटेगी नहीं। भिंडी को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। भिंडी 40 से 50% तक टेंडर हो गई है, सॉफ्ट हो गई है भिंडी। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें हमने लिया है 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। साथ ही में ऐड कर देंगे हम यहाँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मिर्च की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और इसमें डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और ऐड कर देंगे हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब सारे मसालों को हम अच्छे से भिंडी के साथ मिक्स कर देंगे। टोटल भिंडी को पकने में 12 से 15 मिनट लगेंगे। बहुत अच्छी भिंडी बनके तैयार होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बिल्कुल भी चिपकती नहीं है और बहुत ही क्रंची बनती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे मेथड से, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कॉमेंट करके बताएँ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिक्स कर देंगे हम भिंडी को अच्छे से मसाले के साथ और आप देख सकते हैं सारा मसाला भिंडी में अच्छे से लग गया है। ये देखिए, गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम भिंडी को पकाएंगे। 4 से 5 मिनट और लगेंगे मसाले के साथ भिंडी को पकने में। और देखिए, मसाले के साथ भिंडी को पकते हुए 5-6 मिनट और हो गए हैं और फाइनली भिंडी हमारी पक गई है, बिल्कुल खिली खिली। और देखिए, बहुत ही क्रंची भिंडी बनी है और एक भी बिल्कुल भिंडी चिपकी नहीं है और ना ही इसमें लेस है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी ये भिंडी बनके तैयार हुई है। अब हम इसको गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको करेंगे हम गर्मा गर्म सर्व। बहुत टेस्टी, बिल्कुल खिली खिली, मसालेदार, चटपटी मसाला फ्राई भिंडी बनके तैयार हो गई है। हम आपको सर्व करके दिखा रहे हैं, ये देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी भी किस्म की रोटी पूरी पराठे के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर लेकर आऊँगी एक और ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।